बाइडेन के हथियार एटमी विध्वंस की वजह बन सकते हैं। अमेरिका की मिसाइल महा तबाही का सबब बन सकती है। अमेरिका के एयर डिफेंस की वजह से महाविध्वंस का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका युद्ध की आग लगातार भड़का रहा है, यूक्रेन को घातक हथियारों से लैस कर रहा है। इस बात से पुतिन इतने क्रुद्ध हैं कि वो यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भेजने वाला है। इसी खेप में अमेरिका का सुपर वेपन भी शामिल होगा। इस सुपर वेपन का नाम है हॉक एयर डिफेंस सिस्टम। रूसी फौज यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर चुकी है। यूक्रेन का सुरक्षा कवच बर्बाद हो चुका है। यही वजह है कि रूस की मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। नतीजतन यूक्रेन के शहर खंडर बनते जा रहे हैं। लेकिन उसे जल्द ही अमेरिका का हॉक एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है, जो न सिर्फ यूक्रेन की सुरक्षा चक्र को मजबूत करेगा बल्कि युद्ध की आग को बहुत भड़का देगा। सवाल यही है कि बाइडेन का यह हथियार ज़ेलेंस्की के लिए कैसे गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस सवाल का जवाब आपको तब मिलेगा जब आप हॉक की फायर पावर को जानेंगे। हॉक का पूरा नाम है MIM-23 हॉक। यह मीडियम रेंज मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह एक साथ कई हवाई हमलों को रोकने में सक्षम है। यह 40 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लेता है। यह एडवांस सर्विलांस रडार से लैस है, जिससे बहुत तेजी से मिसाइलों को ट्रैक कर लेता है। इसका सक्सेस रेट 85% है। यह संवेदनशील इलाके, मिलिट्री बेस, वेपन गोदाम, हथियार फैक्ट्री की सुरक्षा करने में माहिर है। अपग्रेड होने के बाद अमेरिका का हॉक और भी खतरनाक बन गया है। अमेरिका यूक्रेनी जवानों को इसकी ट्रेनिंग पहले ही दे चुका है। यूक्रेन को यह वेपन जैसे ही मिलेगा, युद्ध का खतरनाक दौर शुरू हो जाएगा। जाहिर है अमेरिका से आने वाले हथियारों से यूक्रेनी सेना न सिर्फ रूसी मिसाइलों की कब्र खोदेगी बल्कि रूस की जमीन पर विध्वंसक हमला भी करेगी। पुतिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर नाटो के हथियारों से रूस की धरती पर हमला हुआ तो यूक्रेन को एटमी जलजले से कोई नहीं बचा पाएगा। यही वजह है कि ऐलान किया जा रहा है कि बाइडेन के हथियार ही महाविनाश की वजह बनने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।